और भाई इस चीज के लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है अगर। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइज आज एक नहीं दो गेम प्ले है। रीजन क्या है आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि भैया इस मैच में खेल रहे हैं दो दो पोसाइडन, और दूसरी बात ये है कि तुम लोगों को हॉट ड्रॉप्स पे दोनों ही मैचेस में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं कल की कुछ बात बता दूं, आप लोगों को याद होगा कल मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत ही खतरनाक प्लेयर की, तो काफ़ी सारे लोग मेरे से गुस्सा हुए कि भैया तुम्हें इतना मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई वो वीडियो लिटरली मैंने पहली टाइम देखी थी, मतलब इससे पहले आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और दूसरी एक चीज़ और, काफ़ी लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि वो मैं ही खेल रहा हूँ। भाई वो फेसबुक पे कोई लाइव कर रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो इसलिए आपको वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मैं ही खेल रहा हूँ। फिलहाल भाई कूद चुके हैं नोवो में, आसपास एक टीम कूद चुकी है, मेरे पास गन के नाम पर भी कुछ नहीं है, पर जैसे ही मैं इस कंट्री में आया मुझे मिली M4, साथ में था GOG और साइबर के पास ही बंदे। और अब देखो गाइस यहां से ये मैच आप लोगों को कितना खतरनाक लगने वाला है। सबसे पहले मैं जीजू कवर देने के लिए आगे बढ़ता हूं। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर डाउन। अब यहां जरा एक चीज देखना, अभी मेरी M4 में 30 एमओ है और DP में 24। दूसरी तरफ साइबर भी डाउन हो गया। अब यहां पर मैं इसको जैसी रिवाइव देता हूं, तभी अब ये बंदा आया जिसके चक्कर में मेरी M4 की एमओ खत्म और DP में केवल 10 एमओ बची है। और आज तो मैं बिना एमओ के क्लच कैसे मारते हैं भाई मैं तुम्हें बताऊंगा सही में गाइस। देखो अब जो 10 गोलियां थी वो भी यहां पे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद मैं जीओजी को रिवाइव दे देता हूं। अब यहां देखो मेरे ना किसी भी गन में एमओ नहीं थे, मैंने जीओजी से ही मांगे लेकिन भाई उसके पास भी एमओ नहीं थे। अब मैं आता हूं यहां पर ड्रॉप लूटने के लिए। अब शॉटगन तो मैंने नहीं उठाई, मैंने सोचा अगर एमओ उठाएंगे तो 5 और 7 की, वरना आज देखेंगे भाई क्या होगा। अब यहाँ थ्रोएबल्स के नाम पे मेरे पास थी एक मॉली और एक ग्रेनेड, और भाई साहब गाइस यहाँ तुम देखो अब क्या होगा। अब मैं जैसे ही आया मुझे लगा सारे बंदे यहाँ डाउन पड़े होंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे मैंने देखा कि भाई सारे बंदे जो है चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मॉली फेंकी, उसके बाद मेरे पास बचा एक ग्रेनेड, ये मैंने ग्रेनेड की पिन खींची फुल कुक, और अब देखना बंदे कितने नॉक होंगे। भाई साहब मुझे लग रहा है जहां तक है एक या दो बंदे डाउन हुए हैं फिलहाल जो भी है। अब जैसे मैंने इसको डाउन किया, अब सबसे पहले मैं इसको मारता हूं एमओ के लिए, एंड तभी भाई यहां पर एक और बंदा दिखाई देता है और मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये बंदा भी अपने टीममेट की पेटी में से बंदूक निकाल के लाया है, वरना भाई ये हमें बहुत पहले ही मार देता। फिलहाल अब यहाँ होता ये कि जीओजी अपना टीममेट द्वारा डाउन हो चुका था, तो मैं उसको जैसे ही रिवाइव देता हूँ तो हमें पता चलता है कि एक बंदा सामने कंटेनर्स पे आ चुका है। तो उसके बाद मैं एंगल लेने के लिए ऊपर चढ़ता हूँ, तभी लेफ्ट में मुझे ये बंदा स्पॉट होता है, मैं इसे काफी लिट करता हूँ लेकिन भाई ये यहाँ से बच के निकल जाता है। फाइनली टाइम था आगे बढ़ने का, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ पीछे से एक बॉट आया, और अब देखना यहां पर तो हमें पता चलेगा कि हमारे लेफ्ट में बंदे हैं। फिलहाल अब मैं हल्का सा आगे बढ़ता ही हूं कि तभी जीओजी की तरफ से कॉल आती है कि उसकी तरफ कुछ बंदे आ चुके हैं। और गाइस यहां वाला जो सीन आने वाला है ना उसे देखने के बाद सब लोग सबसे पहले एक एक लाइक ठोक देना, क्योंकि ये आज का सबसे बेस्ट मूवमेंट होने वाला है। देखो यहां मेरा टीममेट डाउन हुआ एंड फिनिश भी हो गया, उसके बाद पीछे से मुझे पड़ रही है, मतलब भाई क्या ही फंसे हुए हैं। गाइज अगर आपको ये जिगल अच्छा लगा हो ना तो सबसे पहले एक एक लाइक ठोक दो। अभी दूसरा बंदा आता है यहाँ पर, और भाई इस चीज के लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है अगर कोई नया है। अब यहां पर क्या होता है कि साइबर मेरे को बोलता है कि चल भाई एक इमोट मार दे, क्योंकि इन बंदों ने मुझे मारा है तो तूने बदला ले लिया एक इमोट मार। अब मैं जैसे ही इमोट मारता हूँ भाई यहाँ पर, मतलब इमोट करने के लिए मेरा हो जाता है यहाँ ग्लिच, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा, और ऊपर से आ चुका था एक बंदा जो कि भाई पूरा राइट में था। फिलहाल
पहले भाई फ्री के 2 किल उठा ले। अब गाइस देखो ये बंदा कहाँ है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं अब इस बंदे पे रश नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस बंदे की पोजीशन जब तक मुझे नहीं पता है तब तक मैं इस पे अंधा रश तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ऐसे टाइम पे आप भी यही किया करो। और आप लोगों से मेरे को एक चीज़ और बतानी, तो कल कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था कि तुम हाई किल्स क्यों नहीं निकालते। तो भाई देखो हाई किल्स इन लॉबीज़ में नहीं निकाल सकते, अगर आप किसी क्रिएटर के हाई किल्स देखते हो तो उसकी प्लेयर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसका टीयर चेक किया करो। मेरा आप लोगों ने अगर टीयर देखा हो एस से भी ऊपर जा रखा है, मतलब एस से भी काफ़ी ऊपर, क्योंकि मैं कॉन्कर करके आया हूँ। अब फिलहाल मैं नो वाले ब्रिज से तो नहीं आता, मैं आता हूँ मिलिट्री वाले ब्रिज से, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे एक स्क्वाड मिलती है, बट वो बात अलग थी कि ये सारे के सारे बंदे ऊपर थे। तो कुल मिला के बात इतनी कि मैं ऐसे बच के इजी निकल सकता हूँ और फाइट भी ले सकता हूँ, लेकिन आगे जो होने वाला था भाई उसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब सबसे पहले मैंने स्मोक कर दिया, अब वो इसलिए ताकि इन बंदों को पता ना चले कि मैं पानी में कूदने वाला हूँ। अब गाड़ी लेके अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो भाई ये तो मेरे को ईजी भर देंगे, मगर मेरी किस्मत देखो, मैं जैसे ही कूदा मैं थोड़ा सा ज़मीन पे भी कूद गया था, इसलिए मेरी हेल्थ चली गई। तो सबसे पहले मैं कवर में आया और मैंने लगाई एक फर्स्ट एड किट। अब यहाँ तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैंने फर्स्ट किट लगाई मैं थोड़ा सा आगे आया, एंड तभी ये बंदे मेरे ऊपर मतलब ब्रिज पे आ जाते हैं। इनमें से कूदा, ओके तो मैंने देखा कि ये बंदा कूदने के बाद जंप कर रहा था, तो मुझे लगा शायद ये बंदा मिलना चाहता है, तो ठीक है मैं भी इसके साथ में जंप करने लगा, क्योंकि मैं क्यों ही चीटिंग करूं इस तरीके से। और अगर अब इसके टीममेट नहीं भी मार रहे होंगे तो मेरे को मार देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया, जंप करने लगा, फाइनली ये भी एक एक करके आने लगे और इन्होंने मेरे से बातचीत करनी स्टार्ट करी। अब जैसे मैं इनसे बातचीत कर रहा होता हूँ भाई, मेरे साथ देखो यहाँ पर क्या हुआ। भाई इसके बाद ना मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। अब तुम ये सब छोड़ो, इस बंदे ने मेरे को मारा था, अब इसके टीममेट इस पे गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो उसके टीममेट ने क्या करा कि ग्रेनेड की पिन खींची इस मतलब नंबर 4 को मारने के लिए, लेकिन उसने भाई उस ग्रेनेड से बाकी के 2 प्लेयर्स को गलती से डाउन कर दिया। अब ये भी देखो तुम, अब जैसे ही वो 2 प्लेयर डाउन हुए भाई नंबर 4 की भी यहाँ पे आत्मा जा गई। उसने क्या करा भाई, एक और ग्रेनेड की पिन खींची, फुल कुक भाई लो, नंबर 2 का इसने स्वाहा कर दिया। क्या प्लेयर था ये, पहली बार तो अपनी टीम की बातें नहीं मान रहा था, दूसरी बात भाई इसने ये क्या कर दिया। फिलहाल अब तुम्हें पहला मैच का हॉट ड्रॉप वाली फाइट कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट जरूर बताना। अब तुम ये दूसरा मैच देखो, इस मैच में तो आप पागल हो जाओगे, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि भाई सही में पागल हो जाओगे। अब जैसे हम लोग कूदे, सबसे पहले हम लोग अलग अलग बिखर जाते हैं, क्योंकि अगर लूट चाहिए तो अलग अलग तो बिखरना ही पड़ेगा। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ वेयर्स लूटने, बाकी के भाई कंटेनर्स तुम लूट लो। अब जैसे मैं यहाँ पर आया भाई, आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि मुझे यहाँ आती M4 और DP दोनों गन मिल गई। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि यार मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब अब तो रुकना है ही नहीं, बेशक हम मारे जाएं। फाइनली मुझे सामने कुछ बंदे स्पॉट हुए, जब मैंने देखा कि यार सामने से रास्ता एकदम क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एंड देन मैंने देखा कि एक बंदा मेरे लेफ्ट से रोटेशन दे रहा है। इसको नॉक किया एंड फिनिश किया। अब बाकी के बंदे थे वेयर हाउस में, तो हमें अब जल्दी से वेयर हाउस पे भी रश करना है, लेकिन उससे पहले जरा मैं लेफ्ट में देख लूँ कि क्या सब क्लियर है, क्योंकि पीछे से भी कुछ फायरिंग के साउंड आ रहे थे। अब भाई मुझे लग रहा है पीछे से जरूर मेरा किसी ने किल चुराया है। फिलहाल अब एक काम करते हैं, जल्दी से सबसे पहले वेयर हाउस में चलते हैं। अब देखो जैसे हम लोग वेयर हाउस में आए तो हमें पता चला कि यहाँ कोई बंदा नहीं है, और आई थिंक यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी एक स्क्वाड थी जो कि सामने थी, तो हमें भाई उस पर रश करना होगा। लेकिन पता है हमें क्या पता चलता है थोड़ी ही देर बाद कि वहाँ पर 2 टीम आपस में फाइट ले रही हैं, तो मतलब ये कि अब देखा जाए तो यार ये एक थर्ड पार्टी होने वाली है। फिलहाल जो भी है चलो करते हैं भाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर मेरे को कॉल आई कि जो लेफ्ट वाले बंदे थे वो क्रॉस करके राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक रश चल रहा हो। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, सबसे पहले एक डाउन डालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे रश करेंगे।
फाइनली एक बंदा भाई ओपन में आ जाता है। वो उधर ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, लेफ्ट से। अब देखो एक बंदे को डाउन करके रश करने का क्या मतलब होता है, एक बंदे को डाउन करने से पहले तो सामने की टीम थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। अब दूसरी बात, एक बंदा उसको रिवाइव देगा और दो बंदे बचेंगे जो कि इस समय कवर देंगे, तो ऐसे टाइम पे ही रश करना चाहिए फिलहाल। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया, हम आगे बढ़े, टाइम मिला तो मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। अब गाइज यहाँ जो सीन आने वाला है, लिटरली गाइज आज इस वाले सीन के लिए ये वाली वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। दो प्ले डाउन, तभी तीसरा आया। इसको भी डाउन डाल दिया। अब आगे बढ़ता हूं चौथे को ढूंढने के लिए। एंड देन मैंने देखा कि भैया ये बंदा आ रहा है ओपन में, तो इसका मतलब ये कि अब यहां पर इनका कोई भी टीममेट नहीं है। तो गाइस तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे ये क्लच? और एक चीज और बतानी है मेरे को आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पता होगा एक दो दिन पहले पूछा था कि आईपैड वगैरह के बारे में, सो मैंने आप लोगों को क्लियर भी कर देते कि हाँ मैं आईपैड पे नहीं खेलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्रीम्स वगैरह में आगे थोड़ा सा कदम रखना है। मैं पागल नहीं हूँगा स्क्रीम्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीम्स में जाना कोई हलवा नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग विलेजर ई स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत तैयारियां कर रहे हैं, तो इसीलिए अब तुम चिल मारो, मैं नहीं आईपैड पे शिफ्ट होने वाला हूँ। जो भी लोग मेरे को बोल रहे थे कि नहीं भाई आप आईपैड पे मत खेलना, तो वो भाई बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिलहाल अब देखो भैया ऊपर हैं पूरे के पूरे तीन चार बंदे, इजी नॉक कर सकता हूं मैं बंदों को भाई, खत्म कर दूंगा पूरा आर पार। अब यहाँ पर साइबर बोलता है कि भैया सबको आर पार खत्म कर देगा, तो बोला ठीक है, लेकिन तभी एक बंदा नीचे कूदता है। अब मेरे को आवाज आई कि वो बंदा ने क्रॉस किया है, ठीक है, लेकिन कहाँ गया भाई, एक साथ गायब हो गया। लेकिन यहाँ तो मेरा आईक्यू देखो, मैंने कैसे इस बंदे को ढूंढा, ये यहां भी नहीं है। देन मेरे को रिलाइज आया भाई शायद बंदा यहां हो सकता है, और इस बंदे को मैंने डाउन भी कर दिया। अब बचे ऊपर तीन बंदे, अब तीन बंदों पे हमें रश भी करना है यहां पर, तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो तुम देखो यहां पर। तो सबसे पहले हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसने प्री फायर दिया मैं आगे आया, मैं प्री फायर दूंगा। अब यहाँ एक चीज़ जो थी, एक इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी कि एक बंदा अपने लेफ्ट में था, ये तो हम लोगों को पता थी, लेकिन अब उस बंदे ने जब कोई साउंड नहीं दिया तो हमारा पूरा ध्यान गया राइट वाले बंदों पे, और जिसका हर जाना अब हम लोग यहाँ भुगतने वाले हैं। साइबर आगे जाता है, तो भाई साइबर को तो जो नॉक फिनिश किया वो ठीक था, लेकिन मेरे पे भाई एक साथ तीन बंदे चढ़ गए, और उसके बाद तो पता है भाई क्या ही होना था। फिलहाल गाइस आज 24 तारीख हो चुकी है, तो मतलब आज से लोगों पे शायद गेम अवे स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो हुए हैं कि नहीं है। आप आ जाना 7:30 बजे एक बार, ठीक है ना। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छी लगी तो पहले एक काम करो, सपोर्ट के लिए सभी लोग जो सब्सक्राइब वाला बटन है गाइस वो दबा दो, वो बटन दबाने से मेरा थोड़ा सा जो ड्रीम है कंप्लीट हो जाएगा 2 मिलियन का। एंड जिसने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ भी आना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स वॉचिंग।